हैं ना, कुछ पूछते ही ऐसे जी। सवाल जो है ना मैंने सुन लिया, ये ऐसे सवालों को मेरे भाई कहते हैं सेल्फ कंट्राडिक्टरी। सवाल में ही उसका जवाब छुपा हुआ कि जब अल्लाह ताला कादर मुतलक कर क्या ना कि ऐसा पत्थर जो ना उठा सके, ये तो फिर मेरे भाई कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, जिसको अल्लाह नहीं उठा सकता वो चीज़ ही नहीं होगी। इसलिए ऐसी नामुमकिन और जो है ना मादूम चीज़ें जो है ही हमारे दिमाग ने शरारत से फर्ज कर ली, वो चीज़ ही नहीं होगी जिसको अल्लाह नहीं उठा सके। इसलिए ये सवाल बजात खुद गलत है। अगर वो बन सकती है चीज़ तो लाजमन अल्लाह उसको उठा सकता, और अगर ऐसी चीज़ है जिसको उठा नहीं सकता वो चीज़ ही नहीं हो सकती ना। इसलिए ये कहना कि अंडे में कायनात समा जाएगी, भाई नहीं ऐसा तो नामुमकिन है। तीन किस्म की चीज़ें हैं आप जहन में रखे पढ़े लिखे लोग। एक है कि वो लाजमी है, वाजिबुल वुजूद, ख़त्म हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ अल्लाह, कोई लम्हा नहीं ऐसा जब वो नहीं था या नहीं होगा। अगर हम जहन में भी फर्ज करें कि वो मिट जाए, अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि वो वाजिबुल वुजूद, कंपल्सरी है कि वो जिंदा रहे, किसी लम्हा में जिसको मौत आ जाए अल्लाह ने। इसीलिए ये सवाल जो लोग करते हैं ना कि अल्लाह को किसने बनाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने कहा डैडी ये तो रहा अल्लाह, अल्लाह को किसने बनाया, उन्होंने कहा जालिम जो बनता है पहले नहीं था वो मखलूक होती वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह का तो माना ही है कि वो कभी ऐसा माना ही नहीं आया कि वो नहीं था, इसलिए तू बता कि अल्लाह कब नहीं था कि वो कब से बना। एक तो ये बात के वाजिबुल वजूद जो होगा ना वो कोई नहीं ऐसा होगा कि मिट सके। दूसरा होगा ये महाल, इसको कहते हैं महाल, हो ही नहीं सकती वो चीज़, वो फर्जी बात, ख्वाब ख्वाब शरारत से सोच रहे हैं, वो है ही नहीं चीज़ कि आपका एक ही वक्त में वो जिंदा भी हो मुर्दा भी हो, ये नामुमकिन बात है, ये हो ही नहीं सकती। इसलिए महाल का सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह वो चीज़ ही नहीं कि जिंदा भी हो मुर्दा भी हो। तीसरी होती है पॉसिबल, ये हो भी सकती है, अल्लाह चाहे पैदा कर दे ना करना चाहे ना करे, सिर्फ मुमकिनात पर कादर है। ये याद रखें ना, वाजिबुल वुजूद अपने आप को मिटा दे, भाई जो मिट सकता है वो अल्लाह ही, ये भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात है। जो हो ही नहीं सकती उसको अगर वो कर रहे, आपने तो कहा हो ही नहीं सकती, मुहाल का वो कैसे पैदा हो सकती, मुमकिन के बारे में सवाल हो सकता है कि ये चीज़ मुमकिन है इसलिए अल्लाह ये इसको करेगा ये नहीं करेगा, वो अल्लाह की मर्जी पर नहीं, अगर चाहेगा कर देगा, क्योंकि वहाँ दोनों सूरतें मुमकिन हैं। ये तीन कैटेगरियाँ फलसफा की रूप से, एक वाजिब वो तो मिट ही नहीं सकती, एक मुहाल हो ही नहीं सकती, एक मुमकिन वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वहाँ अल्लाह की कुदरत चलती है, जिसको चाहता बना देता है जिसको नहीं चाहता नहीं बना। नामुमकिन चीज़ों को हम खामखा फर्ज करते हैं, वो चीज़ होती ही नहीं, कोई बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि पैदा भी हुई और फिर अल्लाह उसको उठा ना सके, ये गलत बात। अगर वो अल्लाह की बनाई हुई होगी उसको उठा सके, जो उससे उठाई नहीं जाती वो चीज़ ही, वो आपने खामखा इशरातन सोची है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो महाल, वाजिब और मुमकिन, ये तीनों अलग अलग रखेंगे। मुमकिन के बारे में सवाल करें, जो हो सकता है वो ज़रूर अल्लाह कर सकता, जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो चीज़ ही नहीं, महाल कहते हैं उसको। इसलिए आप कहीं इसी वक्त में रोशनी भी हो उसी वक्त अंधेरा, ये चीज़ अकल इसको फर्ज ही नहीं करती, ये इजमाए सिद्धांत है कि दो अपोजिट चीज़ें एक वक्त में जमा हो जाए, नहीं हो सकती, ये अल्लाह ने क्या करना है ही नहीं वो चीज़।